बड़े प्रेम से सुने आप महाभारत वीर रस की कथा को। एक एक बात आप सभी के समझ में आई भी। कहना है क्या? तुझे जीने का शौक नहीं, गया सर कटाने को। क्या कहा? क्या वो अपनी दुनिया मिटाने को, वो अपनी दुनिया मिटाने को। आ गया सर कटाने को। क्या कहे? क्या वो तुझे जीने का शौक नहीं, आ गया सर कटा अभी तुझे मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं हुआ। क्या कहा? क्या कहा? नहीं छोड़ा निशाना है। आदरणीय भाई साहब हमारे संतोष जी रायपुर वाले, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि आई है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कहना है क्या? नहीं छोड़ा निशाना है मुझे जाने जमाना देखिए, जब भीमसेन ने इस तरह से कहा तो असुरराज किरमिर उनका जवाब दे रहे हैं क्या? और कहा कि भीमसेन क्या कह रहे हैं? क्या अरे बाहों में हो तुम जिसके यहां पे ऐसा न कोई हुआ। क्या बात है, जवानी में आदमी की नीयत खराब हो जाती है और बुढ़ापे में आदमी की मति खराब हो जाती है और बचपना माँ बाप के चरणों में गुजरे वो खुश नसीब होता है। अरे जिसके माँ बाप नहीं होते उसकी कीमत खराब हो जाती है। क्या बात है, जोरदार ताली बजाए बाबू जी के लिए। तो देखिए असुरराज किरमिर क्या कह रहे हैं। क्या
भैया ये माइक आपका अपनी जगह छोड़ चुका है। कहना है क्या? क्या और ये 51 रुपए की राशि आई है परमादरणीय श्री विवेक जी सेलोकर आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए देखिए क्या कहना है। क्या कहना है? हाँ ठीक कर लो काम चला बड़ी है। कहना है क्या? रुपया हमें हो दंगा जिसके यहाँ पे ऐसा न कोई हुआ। अरे एक बार जिसको फैलाने का वो पाक में मिल गया। एक बार जिसको फैलाने का वो पाक में एक बार जिसको ऐलान कर दूं वो खाक में मिल गया। असुर राज किरमिर का वध करते हैं और क्या कहा? क्या री अब टक्कर होगी खास खास दिखता ना कोई आस पास। लड़ने में तू तो कायर है मारूंगा मैं तुझको आज। अब पिटाई चाहिए क्या कहा? क्या तुझको तो लत घूसों की धुनाई चाहिए। इस तरह से भीमसेन असुरराज किरमिर का वध करते हैं। अब गौ माता की एक अद्भुत कहानी आप सुने।